हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, और करीब 50 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। चलिए देखते हैं इन वर्ड्स को। देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं, और फोर्थ कमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स 2018 में भी इन वर्ड्स के आने की पूरी पूरी संभावना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे वर्ड्स मैंने निकाले हैं, और ये वर्ड्स यदि आप देखें एसएससी के पेपर्स तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, सिनोनिम एंटोनिम में भी, आरसी में भी, और अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी। जैसे स्पाउस, ये वर्ड बहुत रिपीट होता है, एस्पियोनेस, सरफेट, परनीसियस, इनोकुअस, बॉलस्टर। तो इन वर्ड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और एसएससी के फेवरेट वर्ड्स आप इनको मान सकते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ड है सरफिट। सरफिट का क्या अर्थ है? सरफिट का अर्थ है यदि कोई चीज़ सरप्लस में है, एक्स्ट्रा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं सरफिट। एबंडेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। और इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा ग्लट, GLUT। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा डेफिसिट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और क्लोज टेस्ट में भी इसको यूज़ किया गया है। क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए। इसमें 3 रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक आपको 40-50 वर्ड्स जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, और इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा वर्ड हम देखते हैं परनीसियस। परनीसियस का क्या अर्थ है? परनीसियस का अर्थ होता है कोई भी चीज़ बहुत ही हार्मफुल है, हानिकारक है। ठीक है, तो हार्मलेस जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। हार्मफुल का एंटोनिम होगा हार्मलेस। ठीक है, बेनिफिशियल भी इसका सिनोनिम हो सकता है परनीसियस का। परनीसियस का ऑफेंसिव सिनोनिम हो सकता है, इनऑफेंसिव एंटोनिम होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इनोकुअस। देखिए, इनोकुअस परनीसियस का एंटोनिम होगा, क्योंकि इनोकुअस का अर्थ होता है जो इनऑफेंसिव है, जो हार्मलेस है पूरी तरीके से, उसको हम बोलते हैं इनोकुअस। बहुत ही अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है बोलस्टर। ये वर्ड बहुत आता है क्लोज टेस्ट में, सिनोनिम एंटोनिम्स में। बोलस्टर का अर्थ होता है किसी चीज़ को असिस्ट करना, बूस्ट करना, इनकरेज करना। और यदि आप असिस्ट या बूस्ट नहीं करते हैं किसी चीज़ को, तो उसको क्या करते हैं? उसको इम्पीड करते हैं या हिंडर करते हैं उसको। तो इम्पीड या हिंडर जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। तो इस स्लाइड में हमने 4 वर्ड देखे, सरफिट, परनीसियस, इनोकुअस और बोलस्टर। ठीक है, इनके सिनोनिम और एंटोनिम जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, और रिवीजन के समय ये काम आएंगे, इनको हम रिवाइज करेंगे। अडेप्ट, देखिए ये वर्ड बहुत कॉमन है जिसमें ई आता है, और ई को आप कंपेयर कर सकते हैं, या ई को आप एसोसिएट कर सकते हैं एफिशिएंट से। ठीक है, तो अडेप्ट का अर्थ होता है एफिशिएंट या स्किलफुल या प्रोफिशिएंट। और जो स्किलफुल नहीं है, जो स्किल लेस है, वो होगा इसका एंटोनिम। अडेप्ट है ये। और इससे मिलते जुलते 2 वर्ड होते हैं, एक होता है अडॉप्ट, जिसका अर्थ होता है लीगली किसी चीज़ को अपनाना, अडॉप्ट करना, और एक होता है अडेप्ट, ADAPT, जिसके बाद 2 आता है। अडेप्ट का अर्थ होता है अपने आप को ढालना, और ये अडेप्ट जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्किलफुल या प्रोफिशिएंट या एक्सपर्ट किसी चीज़ का, अडेप्ट। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं श्रिबल। श्रिबल का अर्थ होता है श्रिंक करना, किसी चीज़ का मुरझा जाना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए, इसके लिए एक वर्ड आता है विदर, WITHER, विदर। इसका अर्थ होता है मुरझा जाना, किसी चीज़ का काम हो जाना। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड मैं आपको और बता रहा हूँ, जो होता है डिदर, DITHER। डिदर का अर्थ होता है हेजिटेट होना, इनडिसाइसिव होना। ठीक है, तो चलिए आगे का वर्ड देखते हैं, वैक्सेशन, जिसका अर्थ होता है एनोवेंस या चिड़ना किसी चीज़ से, इरिटेट होना, अनॉय होना, वैक्सेशन। और सेटिस्फैक्शन जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा, वैक्सेशन। ये वर्ड भी काफ़ी बार पूछा गया है, और पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। डिसग्रंटल्ड क्या अर्थ है इसका? डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड का अर्थ है डिससेटिस्फाई होना, डिसकंटेंटेड होना, एंग्री होना, अनॉय होना। ठीक है, और सेटिस्फाइड जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। स्ट्रिंजेंट का अर्थ होता है कड़ा, जैसे कड़े कानून होते हैं, स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। सीवियर भी बोल सकते हैं इसको, हार्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन सीवियर इसके लिए एक अच्छा वर्ड है।
और लिबरल इसका एंटोनिम होगा स्ट्रिंजेंट का, लिबरल या माइल्ड भी हो सकता है इसका। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं सरेप्टिशियस। सरेप्टिशियस का अर्थ होता है जिस चीज को आपने सीक्रेटिव तरीके से किया है, सीक्रेटली किया है, उसको हम बोलते हैं सरेप्टिशियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का अर्थ भी सीक्रेट होता है, गुप्त होता है, हिडन होता है क्लैंडेस्टाइन का, और इसका एंटोनिम क्या होगा? ओपन इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं वैसीलेट। यदि आप वैसीलेट कर रहे हैं तो आप किसी काम को करने से हिचक रहे हैं, आप इनडिसाइसिव हैं, तो इसलिए वैसीलेट का जो एंटोनिम होगा वो डिसाइड हो सकता है, डिसाइड। ठीक है, वैसीलेट का अर्थ होता है हेजिटेट करना, वेवर करना। तो ये इसके कुछ वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर इन वर्ड्स को हम रिवाइज करेंगे। सरफिट का हमने क्या पढ़ा था? सरफिट का हमने पढ़ा था सरप्लस होना किसी चीज़ का, या इसका सिनोनिम एक बताया था मैंने आपको ग्लट, और इसका एंटोनिम क्या बताया था? इसका एंटोनिम था डेफिसिट यानी कमी। ठीक है, डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है हार्मफुल या इंजूरियस। ठीक है, हार्मफुल या इंजूरियस, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बेनिफिशियल। डेट्रीमेंटल का एंटोनिम होगा बेनिफिशियल। अडेप्ट का मैंने क्या बताया था? अडेप्ट का मैंने बताया था कि स्किलफुल या प्रोफिशियंट। ठीक है, अडेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। परनीशियस मैंने क्या बताया था? हार्मफुल। ठीक है, बोलस्टर का क्या अर्थ है? बूस्ट करना किसी को इनकरेज करना। डिसग्रंटल्ड का क्या अर्थ है? डिसग्रंटल्ड का अर्थ है डिससेटिस्फाइड या डिसकंटेंटेड। क्लैंडेस्टाइन का क्या अर्थ है? क्लैंडेस्टाइन का अर्थ है सीक्रेटिव या सीक्रेट तरीके से किसी चीज़ को करना। एक ये नया वर्ड लिया है मैंने, अबैट। अबैट मतलब किसी चीज़ को एड करना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना। श्रिबल का क्या अर्थ है? श्रिबल का अर्थ होता है श्रिंक करना, और इसके लिए एक वर्ड मैंने बताया था विदर। डिदर भी एक वर्ड है जो जिसका अर्थ होता है हेजिटेट, विदर का अर्थ होता है श्रिंक करना। वैसीलेट का अर्थ होता है इधर उधर हेजिटेट करना। ठीक है, इनडिसाइसिव मोड में रहना। अनोवेंस यानी वैक्सीसन, और सेटिस्फैक्शन जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। और डिदर का अर्थ होता है हेजिटेट करना, डिदर मीन्स हेजिटेट। तो इन वर्ड्स को आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, एक रजिस्टर में आप लिख सकते हैं इन वर्ड्स को, जो जिन वर्ड्स को आप अक्सर भूल जाते हैं उन वर्ड्स को आप एक रजिस्टर में लिख लें, और उनको फ्रिक्वेंटली आप रिवाइज करें। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना उतना अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को आप अपने माइंड में रख सकते हैं, और ज़्यादा समय तक आप रिटेन कर सकते हैं। तो ये SSC के फेवरेट वर्ड्स हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था रिवीजन फर्स्ट। अब हम कुछ वर्ड और देखेंगे, और उसके बाद रिवीजन टू और रिवीजन थ्री आएगा, एक रिवीजन और करेंगे हम पिक्चर्स के थ्रू। ग्रीगेरियस का क्या अर्थ है? ग्रीगेरियस का अर्थ है जो बहुत ही मिलनसार है, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। ग्रीगेरियस मतलब ग्रुप, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है वो होता है ग्रीगेरियस, और जो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता उसको हम बोलते हैं रिजर्व या इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो रिजर्व या इंट्रोवर्ट जैसे शब्द इसके एंटोनिम होंगे। स्टराइल के क्या मीनिंग है? स्टराइल के दो मीनिंग है। स्टराइल यदि कोई चीज है तो वो पूरी तरीके से जर्म फ्री है, ठीक है, हाइजीनिक है, नीट एंड क्लीन है, तो उस सेंस में इसका एंटोनिम होगा डर्टी। और स्टराइल का एक अर्थ और होता है बैरन, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, स्टराइल का उस सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्मोइल। टर्मोइल का अर्थ होता है जैसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल या राजनीतिक उथल पुथल। तो टर्मोइल का अर्थ होता है कैओस, यहाँ पर पीसफुलनेस नहीं है, यहाँ पर शांति नहीं है, यहाँ पर डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं नाइव। नाइव का अर्थ होता है जो सीधा साधा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको हम बोलते हैं नाइव। ठीक है, एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड जो होगा इसका एंटोनिम होगा। रिएटरेट का क्या अर्थ है? रिएटरेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, बार बार बोलना उस चीज़ को ताकि आप उसको एम्फेसाइज कर सकें, दैट इज कॉल्ड रिएटरेट। ब्लाइथ इसको हम पढ़ेंगे BLIT HE। ब्लाइथ का अर्थ होता है खुश, बहुत ज़्यादा जो खुश है उसको हम ब्लाइथ बोलते हैं, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है ब्लाइथसम, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोनों ही ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं। लॉडेबल जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं, जो प्रेज वर्दी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉडेबल, और इसको आप क्रेडिटेबल भी बोल सकते हैं, क्रेडिटेबल जिसको आप क्रेडिट देना चाहते हैं। डॉच का क्या अर्थ है? डॉच का अर्थ होता है किसी चीज़ से बचना या उसको इवेड करना, स्केप करना, उसको हम बोलते हैं डॉच। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ
जैसे कोर्ट में ये वर्ड यूज़ होता है, ये लीगल टर्म है, प्लेंटिफ का अर्थ होता है यदि आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एप्लीकेंट बन जाते हैं, एप्लीकेंट बन के आप कोर्ट में जाते हैं और उसको शिकायत को दर्ज करते हैं। तो एप्लीकेंट होना या कंप्लेंटेंट होना उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, और आपने जिस व्यक्ति के अगेंस्ट शिकायत की है वो होता है डिफेंडेंट, क्योंकि वो डिफेंड करता है, तो इसलिए प्लेंटिफ का जो अपोजिट होगा वो होगा डिफेंडेंट। ये लीगल टर्म है, कोर्ट में ये वर्ड यूज होते हैं। क्लम्सीली, क्लम्सी का अर्थ होता है यदि आप किसी काम को ऑकवर्ड तरीके से, बेढंगे तरीके से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लम्सी। क्लम्सी हुआ एडजेक्टिव, क्लम्सीली हुआ आपका एडवर्ब, ठीक है। जेपर्डाइज इसको हम पढ़ेंगे, जेपर्डाइज का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को खतरे में डालना, पुट एट रिस्क, उसको हम बोलते हैं जेपर्डाइज। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉमन वर्ड है ये। चर्लिश का अर्थ होता है एकदम रूड, एकदम गमार और एकदम इम्पोलाइट, ठीक है। और सोफिस्टिकेटेड या रिफाइंड जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा चर्लिश का। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का क्या अर्थ है? ट्रांसग्रेशन का अर्थ है यदि आपने कोई भी काम लॉ के अगेंस्ट किया है, ठीक है, आपने उसको ऑब्जर्व या ओबे नहीं किया है लॉ को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेस करना मतलब लॉ को तोड़ना, जिसको हम बोलते हैं ब्रीच। ब्रीच का अर्थ होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपने सुना होगा कानून को तोड़ना, नियम कानून को तोड़ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीच। रेटिसेंट जो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व है या इंट्रोवर्ट है या जो कम बोलना पसंद करता है, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंट, ठीक है। रेटिसेंस इसका नाउन बन जाएगा और रेटिसेंस का अर्थ होता है चुप्पी, किसी चीज़ को नहीं बोलना, कम बोलना किसी चीज़ के बारे में। और कॉन्ट्रावीन, देखिए ये वर्ड इंटरवीन से अलग है, कॉन्ट्रावीन का अर्थ होता है किसी कानून को, नियम को ऑब्जर्व नहीं करना और उसको तोड़ना, ठीक है। तो डिसओबे जो होगा इसका सिनोनिम होगा, और ओबे या ऑब्जर्व जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा कॉन्ट्रावीन का। कॉन्ट्रावीन का अर्थ होता है ब्रीच करना किसी कानून को या नियम को। यहाँ पर है रिविजन टू। देखिए कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, यदि आपने कॉन्ट्राबीन से ये अलग है, ये नाउन है, किसी कानून को नियम को तोड़ा है और गुड्स को आपने, जब आप गुड्स को स्मगल करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ठीक है, स्मगलिंग करके लीगली किसी सामान को अपने देश में लाते हैं, स्मगल गुड्स जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड, क्योंकि इस सामान को आपको, आपने कानून को तोड़ के देश के अंदर लाए हैं आप, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। तो कॉन्ट्राबैंड का सिनोनिम क्या होगा? इलीगल गुड्स। ब्रीच का क्या अर्थ होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको हम बोलते हैं। तो ब्रीच का मतलब होगा वायलेट करना उसको। और ओबे क्या होगा? ओबे इसका एंटोनिम होगा ब्रीच का। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? इलीगल गुड्स होता है। रेटिसेंट क्या होता है? रेटिसेंट हम बोलते हैं रिजर्वनेस को। रेटिसेंट, रेटिसेंस जो होगा वो इसका नाउन फॉर्म होगा, जिसका अर्थ होगा चुप्पी या ना बोलना किसी चीज़ के बारे में। ट्रांसग्रेशन का अर्थ भी वही है कि लॉ को तोड़ने की जो क्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। डॉज का क्या अर्थ है? डॉज का अर्थ होता है इवेड करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को एस्केप करना, और इवेड से मिलता जुलता एक वर्ड है इवेजन, जिसको टैक्स में यूज़ किया जाता है, टैक्स इवेजन, टैक्स से बचना, ठीक है। जैसे टैक्स बचाने के लिए आपने नाम सुना होगा, अभी जो जो पीएनबी में जो घपला हुआ था और विजय माल्या का जो घपला हुआ था, टैक्स को बचाने के चक्कर में वो लोग विदेश भाग गए थे, तो उस सेंस में हम टैक्स इवेजन वर्ड को यूज़ करते हैं। पीएनबी में अभी हुआ था, एक कांड हुआ था, नीरव मोदी ने किया था, तो इनको हम बोलते हैं डॉज, ठीक है। जेपरडाइज किसी चीज़ को खतरे में डालना, पुट एट रिस्क, उसको हम बोलते हैं जेपरडाइज। इवेड और डॉज ये सेम वर्ड है, लेकिन एवेड थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। ब्लाइटसम, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश, जिसको हम जुबिलेंट भी बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ब्लाइटसम। और रिएटरेट, किसी चीज़ को रिपीट करना बार बार, ताकि आप उसको एम्फेसाइज कर सकें। ग्रीगेरियस, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है उसको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। नाइव हम बोलते हैं इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को, नाइव, ठीक है। यहाँ पर हम इमेजेस के थ्रू रिवाइज करेंगे इन वर्ड्स को। इन इमेजेस को किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से आपको एसोसिएट करना है। जो वर्ड मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो क्लास में, उन वर्ड्स के साथ इन इमेजेस को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे आप इस पिक्चर को देखिए, एक छोटी सी बच्ची है
और इसका फेस देखिए कितना इनोसेंट है, और इसको फेस को देख के हम इसके साथ एक वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं और वो वर्ड होगा नाइव। बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड। तो ठीक है, इस पिक्चर के साथ आप वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं नाइव। अब ये देखिए, नीचे गर्दन करके ये बैठे हुए हैं, एकदम रिजर्व हैं, और ही इज़ वेरी रेटिसेंट। तो इस पिक्चर के साथ आप जो वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं वो होगा आपका रेटिसेंट, चुप्पी साधना, नहीं बोलना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, अब ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए। ठीक है, तो इस पिक्चर को आप देख के कौन सा वर्ड आपके ध्यान में आता है? इस पिक्चर को देख के जो वर्ड मेरे मन में आता है वो है ब्लाइथसम, बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा जुबिलेंट। ठीक है, तो इस पिक्चर के साथ आप वर्ड जोड़ सकते हैं जुबिलेंट या ब्लाइथसम। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इस पिक्चर के साथ कौन सा वर्ड आप जोड़ सकते हैं? जैसे ये जो बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये कैसा बंदा लग रहा है आपको? ये है बंदा ग्रीगेरियस, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, जो आउट गोइंग है। ठीक है, ग्रीगेरियस वर्ड आप इसके साथ लगा सकते हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस पर कोई पानी फेंक रहा है या कीचड़ उछल रहा है इस पर, तो उससे ये इवेट करने की कोशिश कर रहा है या डॉच करने की कोशिश कर रहा है उस पानी को। तो यहाँ पर इस इमेज के साथ आप डॉच वर्ड को एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस वर्ड के साथ, इस पिक्चर के साथ कौन सा वर्ड आप एसोसिएट करेंगे? देखिए, बाढ़ आई हुई है, पानी उफान पर है, और एक ये वृद्ध महिला यहाँ पर बैठी हुई है। अब ये इसको पार कैसे करेगी? इसकी ज़िंदगी जो है ये खतरे में पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे जेपरडाइज, हर लाइफ इज़ जेपरडाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये कस्टम के अधिकारी हैं और ये माल कहीं से आया है जो कि इलीगल लगता है, उसको ये सारे लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये है आपका कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड है ये। ठीक है, कुछ वर्ड और देखते हैं, कुछ पिक्चर्स और देखते हैं। ये पिक्चर क्या है? देखिए, यहाँ पर ये कोई केक इनके चेहरे पर लगा दिया है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं चर्लिश या रूड। ठीक है, और ये जो मैडम खड़ी है यहाँ पर, ये कौन है? ये है आपकी प्लेंटिफ, क्योंकि कोर्ट में ये कंप्लेंट लेके गई हैं। तो इसके साथ जो वर्ड आएगा वो आएगा प्लेंटिफ। तो इमेजेस के थ्रू इन वर्ड्स को आप बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है उनको मैं एक्सप्लेन करूँ और उनको मैं याद करवाऊँ। इस तरह के वीडियो क्लासेस मैं और भी अपलोड करूँगा इस चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस तरह के वीडियो क्लासेस यदि आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन आप दबा लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस तरह के वीडियो से बेनिफिट हो सके। और SSC CGL टीयर 1 के लिए टारगेट बैच हमारा चल रहा है, ऑनलाइन पेड क्लासेस अभी चल रही हैं, इनको आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग इन कॉल इन व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और इन कॉल इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन, बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।